पैंतालीस के बाद अच्छे हुए। Thank you.
भाव से आइए सब जय हो। जरदारी बजा देना जय हो। Today we're gonna make it.
भैया कहते ताली बजा लेना ताली बजा लेना। हाँ तो तरी में से करके जेब में भर भर के रखे हैं सब। क्या कौन हाथ तरी कर रही सब कौन उठा रही है किस भैया ये। और ताली बजते रहना चाहिए और क्या बोलेंगे जय हो सभी स्थान में बढ़ जाइए। सबको बैठे बैठे झांकी गाना बजाना है बैठे रहेंगे सभी ताली बजाते हुए। द्वार खड़ा द्विज दुर्बल एक
जो अपना नाम सुदामा बताता है, जैसे ही सुदामा का नाम भगवान सुने दौड़ गए। ऐसी स्थिति हो गई कि सुदाम अब तेरे जीवन से सारी परेशानियां अकेले अकेले खाओगे तो थोड़ी बनेगा, हमको भी तो थोड़ा सा अवसर प्रदान करो। आज महान रुक्मणी ने वो तंदूर हाथ में लिया और लेते हुए सभी बहनों को देकर स्वयं ग्रहण किया, मानो महालक्ष्मी जी की भी कृपा हो गई।
इस तरह से सुंदर संवाद चलते रहा। हमारे प्रमुख यजमान हीरा भैया जी, कि आप सभी इस पावन यज्ञ में सम्मिलित हैं, बाहर से जितने भी आए हुए श्रद्धालु भक्तों के लिए भी यहाँ भोजन भंडारे की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आप सभी प्रसाद लेकर के ही गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे, कुछ क्षण और कथा का आनंद लेंगे, और जो माताएं बहनें जो तांदुल लाए हैं एक एक करके खड़े होकर के सीधा यहाँ व्यास मंच में पहुंचे और अपना तांदुल की पोटली अर्पण करके सीधे अपने स्थान में जाएं, भीड़ भाड़ ना करें। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए समिति के जितने भी कार्यकर्ता सदस्यगण हैं, सभी अपना अपना कार्य जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें, चढ़ाते जाएंगे। और यदि आपको जैसे महाराज ने कहा चढ़ोतरी करनी है तो नाम यहाँ से लिखाएंगे। 100 रुपए सप्रेम भेंट भगवान के घर में अन्नधन लक्ष्मी प्रभाष दें। भजन के चलते तक आप आराम से आए और यहाँ से पूजन कर वापसी जाए, दो लाइन बना लेंगे। बारी आएगी तो आप बारी बारी से यहाँ आएंगे, आपको सौभाग्य मिल रहा है यहाँ। और हमारे अनुप महाराज जी के पास आकर के अपना दान चढ़ोतरे लिखावे, और सभी भक्त श्रद्धालु कृपया शांति के साथ अपने स्थान में बैठे, कोई गड़बड़ी ना करें, सबको सो अवसर प्राप्त होगा। Thank you.
ये जो कृष्ण रुक्मणी की झांकी है, थोड़ा सा इनको कुर्सी से इधर पीछे थोड़ा खिसक जाइए और थोड़ा पीछे खिसक जाइए। इसके बाद में स्थिति को देखते हुए सबका चावल वहीं से प्राप्त हम करते हैं और जिसको चढ़ोतरी करना होगा वो अपना नाम यहाँ बगल में ले लेंगे अकेले घुमा के और आप वहीं से अपना चावल भगवान के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। चूंकि समय स्थिति को देखना है, भोजन भी करना है, इसलिए सभी माता बहनों से मैं आग्रह करता हूँ कि वहीं से भगवान को अर्पित करते जाइए और अपना स्थान ग्रहण करिए। जिसको चढ़ोतरी करना है वही हमारे जय हो। आइए भाव से नाचते हुए जिन्होंने चावल अर्पित कर लिया एक बार खड़े होकर भगवान जी के नाम आज दरबार सबके लिए खुली है। तराना गाओ बस अब यही तराना
हमारे जितने भगवान के दर्शन कर सकेंगे। आप सभी बढ़ जाइए, आइए आगे की कथा हम सब और हमारे नायक साथी से निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखेंगे और किसी को कोई प्रकार की क्षति ना हो इसका ध्यान देंगे। और सभी माताओं से मेरा निवेदन है, ज्यादा भीड़ भाड़ न करें। इस तरह से मैं आज बैठे रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, कथा पूरी सुन लो, उसके बाद भंडारा भी चलते रहेगी और इधर भजन भी चलते रहेगा, चिंता मत करो। हमारे जितने नाम छूट गया है मैं उसका नाम लूंगा, वो एक एक करके बाद में आएंगे और हमारा आशीर्वाद देंगे। हमारे नायक साथी ध्यान देंगे और पीछे में जितने हमारे नायक साथी खड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध है, कृपया प्रसाद की व्यवस्था बनाए रखेंगे। हमारे समिति के सदस्यगण भागवत आयोजन में कुछ दानदाता हैं, अपना चढ़ोतरी किए हैं, उनका नाम इस प्रकार है, प्रदीप चंद्रा जी 201 रुपए, उत्तरा चंद्रा जी 101 रुपए, शालिनी केवट धनगांव से 51 रुपए, भागवत भगवान में चढ़ोतरी किए हैं। अपने अपने स्थान में शांतिपूर्वक बैठे, तत्पश्चात आप सभी के लिए बड़े ही भाव का दिन है आज, सप्तम दिवस कथा विश्राम होगी और कल हवन पूर्णाहुति सभी कार्यक्रम होगा जो प्रातःकालीन मुख्य यजमान जी के द्वारा 7 बजे से धारा प्रवाह, 7 बजे से 8:30 बजे तक वेदी पूजा, 9 बजे विश्राम, दोनों तरफ देखना पड़ेगा। तो सभी से निवेदन है कृपया शांति बनाकर प्रसाद वितरण करेंगे और उस ही यहाँ भी देख रेख में लगे रहेंगे। जिनका जिनका नाम ले रहा हूँ वो कृपया महाराज से आशीर्वाद लेते जाएंगे। अब ब्यास पीठ लबन तक की बेचक उतर सुन तो गोदाम ट्रक में जो यूनिटी का सवाल आप जय हो जय एक तो फोटो खींची चले रही है हम और इसने में एक बार भाव से बोलेंगे ले सो कुरकुरे जी राधे राधे जी बाबा। हाँ क्या बात, ये प्रेम कुरकुरे और लेस में और क्या चना दाल सब में नजर आ रही है भैया की, जोरदार ताली की एक बार सेवा। और भगवान पाके बिहारी लाल के पावन चरणों पर जो भी श्रद्धा और आस्था से जो कुछ अर्पित करता है, प्रेम है जैसे भी प्रकट हो रही है ना, भाव से सभी जितने भी यहाँ समिति के बंधुगण है, रतन लाल चंद्रा जी आकर महाराज आशीर्वाद लेंगे। रतन लाल चंद्रा जी गामदेव रहा से और श्रीमान बाबूलाल चंद्र जी भोजनालय भी पहुंचने की कृपा करेंगे। श्रीमान बाबूलाल चंद्र जी जहां कहीं भी होंगे कृपया भोजनालय में पहुंचने की कृपा करेंगे। धनगांव से भागवत दास वैष्णव जी धनगांव से 51 रुपए भागवत जी में चढ़ोतरी किए हैं। भगवान इन सभी दानदाताओं के घर में द्वारिकानाथ माँ रुक्मणी लक्ष्मी मैया की कृपा आशीर्वाद वरद हस्त इनके ऊपर सदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आइए हमारे मुख्य यजमान जी आरती की व्यवस्था देख लेंगे और उससे पहले भजन होगा जिसमें आप आनंद लेंगे। तत्पश्चात कुछ दानदाता जो अभी तक आप अपना नाम नहीं लिखाए हैं वे आकर के अपना नाम लिखाएंगे और कल का कार्यक्रम की रूपरेखा आप सभी को महाराज श्री ने बताया ही है, कल आप पुनः सहस्र धारा स्नान कर यज्ञांत आहुति दे करके आप अपना कर्म करें। और कहते हैं कि जो माताएं श्रद्धालु भक्तजन जो अपने घर में 1 साल तक का जो कथा पूजन का नारियल रखे रहते हैं मनोकामना नारियल, वे यज्ञ के पूर्णाहुति में उसी नारियल को आप यज्ञ पूर्णाहुति करेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई हो तो और करना चाहेंगे तो वे अपने एक एक मुट्ठी चावल जरूर लाएं ताकि आपके घर का अन्न हवन में सम्मिलित हो सका दे सके। इस यज्ञ में आपका एक एक रुपए एक एक अन्न का कड़
आपका सब उनका नाम ले लूं, उसके बाद आगे की क्रम में हम बढ़ेंगे। सारंगर नरेश चंद्रा जी 500 रुपए, करण अर्जुन देवरा से 100 रुपए, भरत झा 100 रुपए, जयराम चंद्रा जी सिंगरा से इनके द्वारा भी 201 रुपए, शिव नारायण आइए सभी मंगल आरती में प्रवेश करें। श्री राधे। ओ ए सांझ भैरव लाल रज रत है, ऐसे श्याम प्यारे की आरती करत। भैया इसी ताल में बजाइए तो जाने। जहाँ भी हमारे कान में पड़ जाए कि भागवत हो रहा है, शिव कथा हो रहा है, तो हम वहां जाकर के अपना एक उपस्थिति जरूर देना। मन में यही भाव रखेंगे, जो अपराध भाव हो गया हो भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं अपने घर को छोड़ करके तेरे दर पे आ गया हूँ, अब तो तू ही है, अब तू ही है, यही समर्पण भाव करिएगा। पुष्पांजलि अर्पण करो, भगवान करो स्वीकार, भगवान करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि क्षमा प्रार्थना। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। सभी ग्रामवासियों की, पहुंचे हुए सभी माता बहनों की, भाई बंधुओं की जय हो। समस्त मेरा विशेष निवेदन है, हमने तो इस प्राप्त करेंगे ग्रामवासियों द्वारा 100 रुपए, बड़गांव से गुप्त दान, बालपुर से गुप्त दान, गंभीर राजपूत सपरिवार 105 रुपए, धनगांव
पावन बिहारी लाल की जय हो। एक विशेष सूचना हवे है, आज पावन लखवार पड़ी हो जा रहे हैं। हेलो तू मेरा।
जितने साधक है सब अपना स्थान ग्रहण करेंगे। भगवान जी की अनुपम कृपा दृष्टि से पूरा है एक बार। बस आते तरह सीधा खाना 1 बजे तक हो ठीक है 12 बजे ऊपर कॉल कर रहा हूँ मैं विश्वास है देखना का नहीं बगड़ पड़ा देख तो हमन कर सामान सामान कहाँ देता है ये तो बाल्टी में पानी धरे थे मेन वैसे ठाकुर की हाय इति कृष्णा लाइक चला से ए का धरे देख ले देख ले गिरा ले ओ चल भाग रहा है हां वाला प्लग नहीं भाई जाओ जाओ यार तब बहुत मजा आ